सोनभद्र जिले में अवैध संबंध के चक्कर में एक लड़की की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया है। शक्तिनगर थाने के बीना चौकी क्षेत्र के ग्राम पंचायत चंदुआर की इस घटना से परिजनों में मातम का माहौल है। बताया जा रहा है कि चंदुआर निवासी 21 साल की शबाना निशा का बीते कई वर्षों से एक लड़के से अवैध संबंध चल रहा था। इसी अवैध संबंध की वजह से एक महीने पहले लड़की ने बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म के बाद से प्रेमिका लगातार शादी के लिए प्रेमी पर दबाव बना रही थी, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बावजूद प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया था। इसके बाद से दोनों के बीच आए दिन विवाद होता था। शादी के विवाद में बीती रात भी दोनों के बीच विवाद हुआ था। विवाद भड़का तो दरिंदे प्रेमी ने पेचकस से प्रेमिका के सिर और गर्दन पर एक के बाद एक कई वार किए। ये वार इतने घातक थे कि प्रेमिका की मौत हो गई। वहीं मृतका की बहन ने बताया कि निकाह करने के लिए परिवार से दहेज मांगा जा रहा था, लेकिन परिवार की माली हालत खराब होने की वजह से दहेज देने से इनकार करने के बाद शबाना निशा की हत्या कर दी गई। आपका खाना खाती क्या मामला है? पर जाके खाली का लड़का मार रहा था, घर में घूस के मार रहा था। हम लोग बोल रहे थे, हम लोग को कुदाया था, हमारी बहन को जान से मार दिया। क्यों मारा, क्या पूरा मामला था? शादी करने के लिए बोल रहा था, फिर शादी का मैटर, लड़की पेट में रह गई थी, फिर बोल रहा था शादी करेंगे, फिर बोला है कि मेरा हम नहीं करेंगे शादी, हमको दहेज चाहिए तब हम शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे शादी, इसी बात पे फिर मार दिया। वहीं लड़की की बेरहमी से हत्या के बाद पुलिस ने हत्यारे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पीपरी के सीओ विजय शंकर मिश्र ने बताया कि हत्यारे शहबाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मिश्र ने बताया कि पुलिस हत्या करने वाले युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। चंदवार निवासी शबाना निशा, जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी, जो है उसके प्रेमी शहबाज अंसारी ने जो है उसके घर पर आकर करके पेचकस से गोंद करके उसकी हत्या कर दी जो है। इस संबंध में थाना शक्तिनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है 302 IPC का जो है, और अभियुक्त शहबाज अंसारी को जो है आज गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उससे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अवैध संबंध के चक्कर में अक्सर इस तरह की वारदात हो जाती है। पुलिस को एक बेगुनाह लड़की की बेरहमी से हत्या करने वाले शहबाज अंसारी को सख्त से सख्त सजा दिलानी चाहिए। पंजाब केसरी TV के लिए सोनभद्र से संतोष जायसवाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।